नगर शहर में होने वाले गुरुमुख सम्मेलन की शुरुआत सफाई अभियान चलाकर की गई। इस दौरान संगत ने आज अलवर शहर के बस स्टैंड पर पहुंचकर साफ सफाई अभियान चलाया। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे जिन्होंने सफाई अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया कि वह भी अपने घर और शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं। इस मौके पर आयोजनकर्ता संदीप गुलाटी ने बताया कि गुरुमुख सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह गुरुमुख सम्मेलन करीब एक महीने तक आयोजित होगा जिसमें बाहर से भी लोग आएंगे। गुरुमुख सम्मेलन को लेकर आज से साफ सफाई की शुरुआत की गई है जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष बस स्टैंड पहुंचे और उन्होंने बस स्टैंड परिसर की सफाई की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर शहर के प्रत्येक मोहल्ले व कॉलोनी में जाकर भी साफ सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को अपने घरों के बाहर साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह सफाई अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। गुरुमुख सम्मेलन का समापन 17 फरवरी को होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संत रहन गुरुदेव पिता डॉक्टर हरभजन शाह सिंह जी महाराज जी की रहनुमाई में ये 100वां गुरुमुख सम्मेलन अलवर में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस सफाई अभियान में हम शहर के हर एरिया में जाकर, जैसे आज हम बस स्टैंड पर आए हुए हैं, इस तरह अलग अलग एरिया में जाकर सफाई करते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं कि उनको अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये एक जागरूकता अभियान है ताकि लोग देखें और जागरूक हों और सफाई की तरह अपना ध्यान रखें। कब से कब तक चलेगा सर ये प्रोग्राम? 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है सफाई अभियान और 14 तारीख तक ये अभियान सफाई का चलेगा और जो गुरुमुख सम्मेलन है उसकी समाप्ति 17 फरवरी को होगी। आज कहाँ पर किया गया? आज हम बस स्टैंड के एरिया में आए हुए हैं अलवर में और इस तरह हम अलग अलग एरिया में जाकर के, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गया और बाकी एरियाज में जाके कवर करते हैं।